2091 में नौकरियां ये 5% आरक्षण के तहत हमारी सरकार ने दी है, और अभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें भी 1356 लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। मांग पत्र जो दिया गया कर्नल साहब किरोड़ी सिंह की फैसला के द्वारा, उसको एक एक बिंदु को हमने देखा अच्छी तरह से, और जो संभव हो सकता था वो सारी चीजों पर आपको अशोक चंद्रा जी ने ब्रीफ कर दिया, क्योंकि कोरिलेशन बनता ही नहीं है, कब वो आंदोलन हुआ, कब वो सीटी बनी थी, उसके कितने 7-8 साल बाद, 12 साल बाद बल्कि 3 लोगों की मृत्यु हुई, तो फिर भी हमने ये कहा कि सामाजिक स्तर पर अशोक चांदना जी अपने समाज से या दानदाताओं से बात करके उन परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ताकि क्योंकि वो गरीब है तो उनको कुछ मदद मिल जाए, जो संभव है वो एक बिंदु हमने ये किया। 1252 के बारे में आपको कह दिया कि रेगुलर पे स्केल उनको देंगी सरकार, ये भी उनकी प्रमुख मांग थी। और तीसरा, नवी अनुसूची में 2 बार पहले लिख चुके भारत सरकार को, अब उनकी मांग है तो राज्य सरकार ने तय किया है कि तीसरी बार भी तत्काल राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को लिखा जाएगा संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए। इसके अलावा कोई उनके प्रकरण है भी नहीं ज्यादा बात। और सिर्फ मैं तो उनसे अपील करना चाहूंगा कि आम व्यक्ति जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है, उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने समय समय से अधिकांश पूरी कर दी है। अब कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है जिस पे अनावश्यक रूप से आंदोलन करने की जरूरत पड़े। सरकार कांग्रेस पार्टी की है, ये फर्क देख लीजिए। एक सरकार थी जब 70 लोग मारे गए थे, गोलियां चली थी। हमारे समय में जब जब इन्होंने आंदोलन किया, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा शांतिपूर्वक समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। आप गोली चलाने की बात छोड़िए, लाठीचार्ज भी नहीं हुआ कहीं, और तरीके से उनकी मांगों पे हमने समझौता भी किया और उनको लागू भी किया। तो सरकार की मंशा साफ है कि इस वर्ग के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हो, उन्नयन हो, उसके लिए तत्काल फैसले जो भी मांग पत्र के आधार पर इन्होंने मांग पत्र दिया हमको, हमने किए हैं। राजस्थान में 25 MP भारतीय जनता पार्टी के हैं भी, और पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बीजेपी की है। तो मैं तो कर्नल साहब से और समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के लेवल पे हमारे अधिकार में जो है, हम यहाँ से रिकमेंड करके भारत सरकार को 9वीं सूची में डालने के लिए लिख सकते हैं। वो हम तीसरी बार कर देंगे, तत्काल कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दबाव भारत सरकार के ऊपर भी बनाया जाए, ताकि वो अल्टीमेटली करना तो इसको भारत सरकार को है, तो ये दबाव उन पर बनाया जाए, हम भी बना रहे हैं, समाज भी बनाए, ताकि ये 9वीं अनुसूची में चले।